नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल के साथ। अभी जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद लगातार यह मसला सामने उजागर हो रहा है कि रेत बहुत महंगी है। ये मसला सिर्फ वाराणसी क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण बालाघाट जिले का है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि रेत का रेट अचानक ऐसे कैसे बढ़ गया है। इससे कई सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का जो मकान बनाने का बजट है वो भी बिगड़ते जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस मसले को दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारे बालाघाट जिले के 6 विधानसभा के विधायक इस मसले को उठा रहे हैं, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या भाजपा के विधायक, क्या कांग्रेस के विधायक, सभी इस मुद्दे को लेकर आग बबूला है और प्रशासन पर चढ़ाई करने के लिए आमादा दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विवेक पटेल जी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या उनके क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है रेत के महंगे होने से। मैं शुरू से ही, विधायक बनने के पहले से ही, अवैध रेत का मामला उठाता रहा हूं। हमारे विधायक बनने के पश्चात अचानक रॉयल्टी बढ़ा दी गई। पहले 1100 रुपए थी रॉयल्टी ट्रैक्टर में 3 किलोमीटर की, अचानक 2500 कर दी गई। इसके लिए हम थोड़ा 6 विधायकों ने मांग रही कि तो रॉयल्टी कम की जाए, दूसरा अवैध खनन ना हो। और हम सबकी मांग पर पहली बार घाटों का सीमांकन हुआ। अधिकांश जगह पाया गया कि जहां रेत खनन हो रही है वो स्वीकृत एरिया था, कहीं और से हो रही है। अभी तो बहुत से लोगों को दिक्कत जा रही है, हमारे सरपंचों को जा रही है, रेत नहीं मिल रही है। हमने पहली बार चुनाव के पहले जब चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को लुटने से बचाए, अवैध खनन से बचाए। जहाँ पर स्वीकृत एरिया वहां से निकाली ना, जब एरिया पर स्वीकृत वहां से निकाल रहे हैं आप, रेट बढ़ा दिया आपने। तो हम चाहते हैं, हमारी प्रशासन से मांग है, हम 6 विधायकों की, कि हमारे क्षेत्र के लोगों को, चूंकि हमारे क्षेत्र में रेत प्रचुर मात्रा में, जो गांव में नदी में वहीं लोगों को रेत नहीं मिल रही है। हमारे क्षेत्र के पूरे 6 विधानसभाओं के निर्माता बंदे पंचायतों के इस मसले को लेकर भैया अमूमन देखा जाता था कि विपक्ष के विधायक आमादा रहते थे, मुद्दे को उछालते थे। इस बार देखने में आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के विधायक एक सुर में रेत के खिलाफ और सही नीति बनाने और पंचायतों में जो निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लोगों का बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर अब क्या साझा प्रयास करेंगे या कुछ अलग रणनीति बनाएंगे? क्या हम 4 कांग्रेस के विधायक और 2 भाजपा के, ये मुद्दा सभी जगह का है, उनके भी रेट महंगी मिल रही है। गांधी विधायक ने बेचारे ने तो सीएम साहब को लेटर दिया, उसके बाद भी वही रेट मिल रहा है। तो कलेक्टरों से बात करी, हम चाह रहे सभी बैठकों को एक रास्ता निकले। और हमारे सब चूरी 6 विधायक की 2 ही मांग है, मेरी भी 2 ही मांग है कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन ना हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य में रेत मिले। बस 2 ही मांग है, अवैध खनन ना हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को उचित दाम में रेत मिले। जब 2 हमारी समस्या हो जाएगी तो विरोध करना बंद कर देंगे। और हमारे क्षेत्र के लोगों को उचित रेत दर में रेत नहीं मिलेगी, हमारे सरपंच भटक रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निर्माता नहीं हो रहे हैं, हमारे लोग परेशान होंगे, अवैध खनन होगा, तो लड़ाई तो लड़ेंगे हम। अभी हाल ही में कमिश्नर साहब की जो है छापामार कार्रवाई हुई थी, 20 घाटों का उन्होंने छापामार किए थे और कई डंपर और लगभग 8 FIR किए थे उन्होंने दर्ज। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि वो सरेंडर कर रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ब्लैकमेलर की संज्ञा दे रहे हैं और इस तरह से जो है आड़े हाथ ले रहे हैं जनप्रतिनिधियों को, क्या मानना है? कलेक्टर और कमिश्नर मतलब खुद आए थे, उन्होंने पूरी जांच करी, उन्होंने जब्ती बनाई। यदि गलत नहीं होता जब्ती बनती, जब्ती बनाई, उसमें पॉकलैंड थे, जेसीबी थी, हाइवा थे और वो चले गए। रही बात, हमने सुने कि माइनिंग कॉर्पोरेशन में इन्होंने सरेंडर कर दिया है, कि सरेंडर करना चाहते हैं हम। अब चूंकि जहाँ रेत घाट स्वीकृत है और रेती नहीं है, 6 विधायक सक्रिय आ गए हैं, रेत को बचाने वाले लोग आ गए हैं, क्षेत्र को लुटने वाले लोग आ गए हैं, ईमानदार विधायकों को चयन जनता ने इस बार की है, दिक्कत जाएगी इनको। तो क्या इससे पहले जो थे वो संरक्षण दे रहे थे अवैध व्यापार को और अवैध रेत खनन को? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हम चूंकि हम जीत के आए तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन ना हो। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, रेत नदी में नहीं रहेगी तो रेत नदी खत्म हो जाएगी। और जिस तेजी से दोहन हुआ है, देखा ना कि जहाँ रेत नहीं है वो घाट सुधर के हुआ, वो घाट वहां गलती का विभाग की भी है, माइनिंग विभाग की गलती भी है। क्या बोले, देखना था कि रेत कहाँ है, वो घाट से कहाँ था, उसको निर्माण करना था। लगातार पहली बार सीमांकन हुआ, सीमांकन में पाया गया कि जहां से रेत दिखा रही है वो स्वीकृत एरिया नहीं है,
और ईवीएम बहुत जल्दी हल नहीं निकला, हमारे क्षेत्रवासियों को उचित दर पर रेत नहीं मिली, बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में निर्माण का शुरू नहीं हुआ, चोरी भी बंद नहीं हुई, फिर और कार्रवाई हो रही, पहली बार कार्रवाई हो रही। अभी सरपंचों से किस तरह की जानकारी आ रही है, कितना कई लोग फ्रस्ट्रेट है कि उनका निर्माण कार्य रुका हुआ है, शासकीय योजनाएं का निर्माण कार्य रुका हुआ है? अभी तो पूरा काम रुका हुआ है क्योंकि जो घाट से एक्सरवा रहती नहीं है, रहती देर निकली कैसे, है ना, पूरे काम बंद है और रेट बढ़ गए हैं। अब 4,000 टन में रेसल पर रहते हैं, कैसे काम करेगा गांव, आवाज पानी गई आवाज बुला रहे हैं कैसे उनका। अभी आप 6 विधायकों ने जो बात रखे थे प्रशासन से, क्या बात रखे थे? 6 ने ये बात रखे कि जो 1100 पर रेट था अचानक 2500 कैसे हो गया, यदि किसी ठेकेदार ने कॉम्पिटिशन महंगा लिया है घाट तो उसका खामे जनता का उगते, आपका कॉम्पिटिशन लिया आपने चाहे 3-4 लाख घाट को 80-85 करोड़ खरीदे, ये आपकी गलती है, इसका खामियाजा जनता में क्यों भुगतोगे आप, तो रेट कम करें। हमने उसे कलेक्टर महोदय कहा है रेट कम करें, हमारे क्षेत्र के लोगों को उचित दर में रेत मिले, अवैध चोरी ना हो, और जहाँ जहाँ घाट सेंक्शन है वहाँ से बांका हुआ बोर्ड लगे और विधिवत काम चले, विधिवत काम हो। आप से क्षेत्र की जनता की काफी अपेक्षा है, ऐसे कौन कौन से काम है जिसको आपने प्राथमिकता में लिए है कि पहले मुझे ये काम करना है क्षेत्र में? किस पहले हमारे डोकरिया चापा मध्यम डेम है के पास, इससे लगे 30-40 गाँव में सिलाई होती है, वो कई दिन से लंबी थी, अभी हम सीएम से मिले और मैंने किचन का जगह बुलाया था, उसे भी कहा है मैंने कि इसको पूरा करें, काफ़ी तक काम शुरू हो चुका है, मेरी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में वो काम पूरा हो, राजू सागर नहर की लाइनिंग हो कि लोगों टेल तक पानी पहुंचे, सिंचाई, चिकित्सा और शिक्षा मेरी प्राथमिकता होगी। हमें पहले भी बात की है कि जहाँ जहाँ डॉक्टर नहीं हुआ डॉक्टर आए, डॉक्टर बैठे ओपीडी में बैठे, समय दें, मैं निरीक्षक हूँ और स्कूल बच्चे मास्टर हो, नए कोर्स खोले, नए स्कूल खोले, नए कॉलेज खोले, शिक्षा तक पानी पहुँचे, सिंचाई, चिकित्सा और शिक्षा मेरी प्राथमिकता होगी। हमें पहले भी बात की है कि जहाँ जहाँ डॉक्टर नहीं हुआ डॉक्टर आए, डॉक्टर बैठे ओपीडी में बैठे, समय दें, मैं निरीक्षक हूँ और स्कूल बच्चे मास्टर हो, नए कोर्स खोले, नए स्कूल खोले, नए कॉलेज खोले, शिक्षा, चिकित्सा और नहर मेरी प्राथमिकता होगी, लोगों को रोजगार मिले, अच्छा माहौल हो, तो मैं पहले गाँव चुनाव में अच्छा माहौल हो, हमारे लोग तहसील कार्यालयों में खाने में भटके ना, कि लोग काम करें, भरा उसको परेशान ना करें, काम पेंडिंग ना रहे, ये मेरा प्रयास है, और देखिए आपको। उद्योग के लिहाज से क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पलायन की भी एक समस्या है बालाघाट जिले में और आपके वाराणसी में। पलायन मेरा मुद्दा था, मैं कहता था भाषण में कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, रोज 5 बस चल रही है, हैदराबाद जा रहे हैं, तब जाए लोकल लोगों को रोजगार मिले, हमारे 2 प्लांट खुले थे नाल के, उनको बुलाया मैंने कि भैया आप हमारे प्लांट खुले हो, जमीन हमारी, पानी हमारा, रेत हमारी, प्रदूषण हमारे हो रहा है, हमारे लोगों को रोजगार दे, उनको बुलाया था मैंने, आने वाले हैं कि हमारे लोगों को रोजगार दे, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगा। आगे भी ऐसी रणनीति होगी कि और भी उद्योग आपके इलाके में हो और जो नए युवा है, पढ़े लिखे युवा है, वो बाहर न जाते हुए यहीं पर अपने अवसर को तलाशे। हमारे बहुत अच्छा माहौल है, नए उद्योग आने वाले हैं, बासी में 2 प्लांट खुल रहे हैं, 1 प्लांट खामा में, और प्लांट आने वाले हैं, हमारे हर चीज़ है, बिजली है, पानी है, अच्छा माहौल है, लोगों को रोजगार मिलेगा, और नए प्लांट बनाएंगे और प्रयास होते होगा कि प्लांट तो लगे पर प्राथमिकता हमारे लोकल मिले, हमारे क्षेत्र में काम करें। भैया जिस हिसाब से उद्योग की बात निकली है तो उद्योग नीति यहाँ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो राज्य है पड़ोसी राज्य उसकी अपेक्षा में यहाँ की जो उद्योग नीति बड़ी जटिल है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो लैंड स्टाम्प ड्यूटी के मामले में हो, कई गुना अधिक यहाँ पर वसूल किया जाता है, इसलिए उद्योग लगाने से पहले यहाँ जमीन तो अधिग्रहण कर लेते हैं लेकिन उद्योग लगाते हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे उद्योग नीतियों पर रिसर्च करके क्या आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि लोग उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में आकर्षित हो? ये तो सरकार को सोचना होगा, सरकार को सलीका करेगा, उद्योग लगती है ना, सलीका करे बिना तकलीफ के लोगों को खोल सके, और हमारे के जो छोटे उद्योगपति उन्हें को मौका दें, उन्हें को प्रोत्साहित करें कि हमारे के व्यापारी आगे बढ़े, पैसे यही रहे, यही के लोग आगे बढ़े, यही के लोग काम करें, यही उद्योग खोले, यहाँ के उद्योगपति आगे बढ़ेगा, वो जो उद्योग खोलेगा तो यहाँ के लोगों को प्राप्त कर देगा। युवाओं की क्या अपेक्षा है यहाँ के, आप जैसे युवा विधायक से? युवाओं को एक अच्छा पढ़े, अच्छा रोजगार मिले उनको, सबसे बड़ी बात तो यहाँ से कॉलेज नहीं है, हमारे स्कूल कोई पार्टी कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, नर्सिंग एग्जाम नहीं हो रही है, भर्तियां नहीं हो रही प्रदेश में, हम चाहेंगे शासन में दबाव बनाएंगे, भर्तियां करें, बहुत सी पोस्ट खाली है,
नई भर्तियां करे, पटवारी भर्ती में घोटाला हो गया, पुलिस आयुक्त भर्ती घोटाला हो गया, नर्सिंग की बच्चियां पढ़ रही 3 साल 4 साल से नर्सिंग की भर्ती नहीं हुई है, सरकार में दबाव बना गया नई भर्तियां हो, नए कॉलेज खुले। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो किसान को 2100 मिलेगा, हमारे क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, खेती चल रही है, 2190 रुपये मिल रहा है। आप अभी धान केंद्रों में खरीदी केंद्रों में भी जा रहे हैं, किस तरह की समस्या उजागर हो रही है, कई किसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं धान खरीदी। बहुत से किसानों ने धान रोक कर रखा था कि भैया ये सरकार बननी का बहुत आगे 2100 देंगे, उन्होंने फिर अपने वादे से मुकरे 2100 दे रहे। इन्होंने कहा था भाई सरकार आएगी तो महिलाओं को 3000 रुपये देंगे, 3000 दे रहे। इन्होंने कहा भाई सरकार आएगी तो 450 रुपये सिलेंडर देंगे, किसी को 450 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। दूसरी बात, लगातार मैं खरीदी कर घूम रहा हूँ, कहीं स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, कहीं बाधाएं नहीं थे, कहीं माल नहीं उठता, कहीं पेमेंट नहीं हो रहा था, कहीं ज्यादा तौल रहे थे, जहाँ जैसे कटाई उसका मैं वही स्थल पर निराकरण करने का प्रयास किया है। और फिर कल भी मैं लिखूंगा क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र किसान परेशान हो, किसान परेशान होगा तो किसान को परेशान करने वाला परेशान होगा। तो ये थे वाराणसी क्षेत्र के विधायक, और इनसे हम चलते चलते एक आखिरी सवाल करते हैं, शायद ये इन्हें भी थोड़ा सा ये करेगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी थे प्रदीप जायसवाल जी, एक समय था आप साथ में घुमा करते थे, साथ में रहते थे, अचानक एक गुरु और चेले के बीच में फाइट हुई और चेला आगे बढ़ गया कि हम साथ थे, हमने पूरा जीवन उनको दिया, वो भटक गए विचारधारा से, हम कांग्रेस के लोग थे, वो भाजपा में चले गए, वो व्यवसायिक बन गए, आदमी सेवक नहीं कर रहा है, बाद में लगा कि आदमी मौका परस्त है, पदगुरुप है, व्यवसाय करने आया है, सत्ता के साथ रहने वाला। हम जहाँ के हमारे, हम गांधी के लोग थे, नेहरू के लोग थे, अब सरदार पटेल के लोग थे, हमने पार्टी झंडा नहीं छोड़ा, हमने झंडा छोड़ा तो हमारे साथियों ने झंडा छोड़ा, आज लोगों ने दिखाया कि कार्यकर्ता बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है। एक समय था कांग्रेस में उंगली में गिनने लायक नेतृत्व करने वाले थे, उनके जाने के बाद बड़े मुश्किल से आप लोगों ने चौक चौराहों पे ग्रामीण अंचल में जाकर संभाला और एक स्थान प्राप्त किए, और वो लगातार आप पर हमला करते रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, नगर पालिका भ्रष्टाचार को लेकर हो, चुनाव तक के उन्होंने आपको कोसा है। हम यही पैदा हुए, यही बड़े हुए, लोग जानते हैं हमको, तो बाहर से आए, उन्होंने खूब प्रयास किया। जब इन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं अकेला निकला झंडा लेकर कांग्रेस का, मैं निकला वहां सब जुड़ते गए, जीतू राजपूत आया, भूषण पटेल आए, उर्दू सूरी उठा करे, राजा अली, एक से जुड़ते गए, एक से दो गए, दो से चार जुड़ते गए, हमारा कारोबार बढ़ता गया, और लोग लगा, हम लोगों से कहा कि हम साफ से जारी करेंगे, और जब वो टिकट मिली कमला जी को टिकट दिए छोटे कार्यकर्ता को, लोगों से बोला कि पहली बार आपके बीच किसी व्यक्ति को कमला जी टिकट दिया है, एक कागज टिकट दी थी, ये चुनाव कागज प्रतिष्ठा चुनाव था, समझ कागज भिड़े कागज चुनाव दिखाया कि कागज क्या बनाता है, नेता का कांग्रेस एकजुट है, 100% एकजुट है, और एकजुट देखिए संडे नहीं था ना, मैं क्या बोला हमारे चुनाव जो जनता लड़ी, जनता हमारे साथ है, पूरा संगठन हमारे साथ है, संगठन से एकजुट है, और भी बहुत जल्दी हम मिलकर आने वाले लोकसभा सोसाइटी में तैयारी करेंगे, और एकजुट मजबूत करेंगे कांग्रेस को। तो ये थे विवेक पटेल जी, वाराणसी विधायक, चूंकि आत्मविश्वास से लबरेज है कि एक नामुमकिन से लगने वाली जीत को उन्होंने हासिल कर लिया है, और वो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और क्षेत्र की समस्या से लेकर उन्होंने प्रदेश स्तर की समस्या को हमारे बीच में रखते हुए यहाँ तक वादा किया है कि चाहे वो क्षेत्र की समस्या हो या प्रदेश स्तर की समस्या हो, चाहे वो भर्ती को लेकर मामला हो, वो हर स्तर पर हर मोर्चे पर वो सदैव खड़े रहेंगे, और न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को बल्कि सरकार को भी घेरने से वो पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जन समस्याओं से अवगत होते हुए यहाँ के जो चुनौतीपूर्ण कार्य है, विकास के कार्य हो चाहे सिंचाई के कार्य हो, उसको कराने के लिए वो लगातार तत्पर दिखाई दे रहे हैं। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्लारे।